गुवाहाटीपर्यंत जाणं आमची रणनीती होती असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाल्यात. उद्धव ठाकरेंसोबत फोनवर बोलत बोलत मी गेलो असंही शिंदे म्हणाल्यात. मला धमक्या देण्यात आल्या, मी धमक्यांना घाबरणारा नाही असं एकनाथ शिंदे म्हणाल्यात. अगर आप इतने निडर थे तो गुवाहाटी तक जाने की क्या जरूरत थी? वो हमारी स्ट्रैटेजी थी. मैं खुलेआम गया, छुपकर लपा छुपी नहीं की. होटल में छुपे थे, बात करते करते गया. उद्धव जी का मुझे फोन आया, मैं रास्ते में था, मैं बात करते करते चले गया और मुझे बहुत चैलेंज किए. बोले आके दिखाओ, वर्ली से जाना है, मुंबई में आना है, ऐसे करेंगे, लाखों लोग आएंगे, रास्ता जाम करेंगे, खून खराबा होगा, एमएलए लोग को विधान भवन में जाने नहीं देंगे. मैंने कहा देखो, मैं भी तो बाला साहब ठाकरे जी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी तो आनंद जी के साहब का कार्यकर्ता हूँ. किससे डराते हैं, किसको डराते हैं? जिसने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, वो डरने वालों में से मैं नहीं हूँ.